ओके, अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y. दोनों पैराबोला है करेक्ट, और सबसे अच्छी बात यह कि दोनों ओरिजिन से जा रहे हैं. देखिए कुछ इस तरह से द कर्व 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y आर पैराबोला विथ वर्टेक्स 0 0, मतलब इनका वर्टेक्स 0 0 है. अब सबसे पहले हमको इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने. जब तक हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकालेंगे तब तक हमको एरिया पता नहीं चलेगा कि कहाँ बनेगा. तो हमने क्या करा, इसको इक्वेशन वन कहा और 9 को इधर भेज दिया. एक्स स्क्वायर अपॉन 9 ये वाई की वैल्यू हो गई. ये वाई की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो बाय 1 एंड 2. देखिए इसको स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 9 स्क्वायर. कभी भी गलती मत कीजिएगा कि इस एक्स से इस एक्स को आप कट कर दें, अदरवाइज आप एक आंसर लूज कर देंगे. देखिए कितना बना, एक्स टू द पावर 4 9x³ इंटू एक्स, इसको उठा के RHS में भेजा हमने, x कॉमन, तो x की वैल्यू 0y और 9i. अब आप यहाँ रखेंगे तो भी y 9, यहाँ रखेंगे तो भी y 9. देखिए x इज इक्वल टू 0 पर y 0 और x इज इक्वल टू 9 पर y 9. आई थिंक आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट समझ गए. अभी इन्हीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपन ग्राफ पे देखते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखते हैं कुछ इस तरह से. देखिए ये रहा आपका पैराबोला एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y और ये रहा पैराबोला एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x. और ये रहा पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 0 और दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट 9, 9. देख लीजिए आप, ये रहा बी. हमने दोनों पैराबोला के ऊपर एक कोऑर्डिनेट ए और सी ले लिया और हमको ओ ए बी सी ओ इसका एरिया निकालना है. फिर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये दो पैराबोला से बाउंडेड एरिया है. बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर बच्चों को, इतना क्लियर. अब हमको जो निकालना है, क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ओ ए बी सी ओ. नाउ एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू 0 to 9 y1 माइनस y2 dx. 0 to 9 क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे लिमिट 0 to 9 थी. एक मिनट अपन वापस डायग्राम को देखते हैं. ये देखिए ये रहा, आप बोलोगे इसको यहाँ ड्रॉ कर दो लाइन को, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या आएगा x एक्सिस पे 9, 0, यहाँ आएगा ना वही 9, 0. आप चाहो तो उसको y एक्सिस पे ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. पर उस केस के अंदर लिमिट वही आएगी 0 to 9, लेकिन x1 माइनस x2 dx आएगा, dy आएगा. इस चीज़ का ध्यान रखिए. अब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों से सॉल्व कर सकते हैं. हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से सॉल्व कर रहे हैं. अब y1 और y2 कौन होंगे, तो y1 होगा पहला वाला कर्व मतलब √9x और y2 होगा x² / 9. मैं एक वर्ड गलत बोल गया, पहला वाला कर्व, जो कर्व ऊपर से आ रहा है वो y1. अब एक मिनट, आप सोच रहे होंगे कि ऊपर से तो ये आ रहा है, ये y1 होना चाहिए. नहीं, जहां एरिया बाउंड हो रहा है वहां ऊपर वाला कर्व कौन सा है, वो हमेशा y1, और नीचे वाला कर्व कौन सा है, वो हमेशा y2, भले वो कहीं से भी आ रहे हैं. तो देखिए ये और ये, हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 0 to 9, 9 का √3, x³/2, x² / 9, इसको इंटीग्रेट करा हमने, इट इज़ x³ x³³/3/2 / 3/2 माइनस x³/9 × 3. हम अपर लिमिट रखेंगे 9, हमने रखा माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट मतलब ये 3 × 2/3, एक्स के प्लेस पे 9 रखा उससे जगह 3² / 3/2 माइनस 9 × 9 × 9 क्रॉस कर दिया हमने, तो हमारा यह बनेगा. इस 3 से इस 3 को भी कट कर दीजिए तो ये कितना बना, 27 × 2 और 9 × 3 = 27, तो 54 − 27, 27² यूनिट करेक्ट, ये इसका आंसर होगा. इस पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे y² = 4ax, x² = 4ay, y² = x, x² = y, y² = 16x, x² = 16y. आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं, और सबके करने का तरीका जो है वो एक ही है. अब देखें इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल
एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स एक्सिस। अब ध्यान से समझिएगा, आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना आता है लेकिन उसमें एक लाइन भी है और एक्स एक्सिस भी, करेक्ट। यदि एक्स एक्सिस नहीं दिया हो तो क्या होगा और एक्स एक्सिस दिया है तो क्या होगा, अपन दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, पर सबसे पहले हमको ये पता करना है कि जाते हैं कहाँ से। तो देखिए, ये जो सर्कल है, ये 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है कि जो सर्कल है उसके सेंटर क्या होंगे, 0 0, रेडियस कितनी होगी, अंडर रूट 32, मतलब 4 अंडर रूट 2। कहीं पर अंडर रूट 32 लिखेंगे हम, कहीं पर 4 अंडर रूट 2 लिखेंगे, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है। और लाइन क्या दे रखी है आपको, y = x। तो सबसे पहले हम इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले बाय 1 एंड 2, y के प्लेस पे x रख दिया। तो देखिए, x की वैल्यू ±4 और y की वैल्यू भी क्या होगी, ±4। लेकिन क्या हम ±4 दोनों ले पाएंगे, शायद नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है हमने वो ले लिया। अब देखिएगा, सबसे पहले कर्व बनाइए। हमने एक सर्कल बनाया, देखिए कुछ इस तरह से सर्कल बनाया एक, इसकी रेडियस कितनी होगी, 4 रूट 2। और ये लाइन जो जा रही है, ये सर्कल को कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो ये सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 4,4 पे और -4,4 पे। पर क्योंकि क्वेश्चन में एक्स एक्सिस बोला है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस इस तरफ बाउंड होगा, इसलिए इस तरफ का कोऑर्डिनेट हम नहीं लेंगे, करेक्ट। तो ये 4,4 बना, ये क्या बना आपका, सर्कल बना। अब आपका एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है, अब आपका एरिया ये वाला बाउंड हो रहा है, देखिए ये वाली कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई, एक तो बन रहा है OMB और एक बन रहा है AMB। लेकिन जो OMB एरिया बन रहा है, ये ट्राइंगल का एरिया बन रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बाउंड करने के लिए, ये लाइन। और जो AMB एरिया बन रहा है, इसको बाउंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये कर्व, मतलब सर्कल। तो अब एरिया कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब नाउ एरिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड सर्कल आर 4,4 एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4,4 इसका और फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला एरिया हमको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे एरिया, हम देखिए। नाउ एरिया अंडर OABO, तो सबसे पहले क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OMB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OMB और एरिया ऑफ MABM। आप चाहें तो AMB ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। तो जो पहला है OMB, उसकी लिमिट बनेगी 0 to 4, और जो MABM बन रहा है उसकी लिमिट बनेगी 4 to 4√2, और ये दोनों एरिया ऐड होंगे, ये देखिए इस तरह से। तो 0 to 4 y1 dx, 4 to 4√2 y2 dx। y1 कौन होगा, ये लाइन, y2 कौन होगा, ये कर्व। तो यहाँ से y2 की वैल्यू निकलेगी, x² को उधर शिफ्ट कर दीजिए और आपकी y2 की वैल्यू बन जाएगी ये y1x, y2 इज √32 -x². इसको हमने y1 और y2 के प्लेस पर रख दिया, ये देखिए एरिया अंडर OABO 0 to 4 x dx -0 to 4√2 √32a² -x², √a² -x² का इसमें फार्मूला लगेगा, देखिएगा। ये देखिए x की वैल्यू x² / 2 0 to 4 +1/2 x √a² -x² +a² sin inverse x/a, ये फार्मूला है आपका। और a की जगह कितना, √32 लिमिट 4 to 4√2। सबसे पहले हमने अपर लिमिट रखी, या लोअर लिमिट की जरूरत ही नहीं क्योंकि जीरो है। तो 16/2 -1/2 4√2, यहाँ पर 32 है तो 32 हो जाएगा, x² 4√2 का स्क्वायर 32 +32 sin inverse 4√2 / 4√2 -4, 32 -16 +32 sin inverse 4 upon 4√2। x के प्लेस से 4 रख दिया हमने लोअर लिमिट में। अब देखिए क्या टर्म बनी, ये तो 8, ये 0 हो गया, तो 0 32 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो गया, sin inverse 1 मतलब π/2 -32 -16 4 into 4 +32, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होगा, 1/√2 sin π/4 में। अब हमने इसको इस तरह से सॉल्व करा,
ये 8 एज इट इज़, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो 5 बाय 32 पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2 16 32 पाई बाय 4। इसको हमने आगे सॉल्व करा तो ये 8 एज इट इज़, ये 8 पाई हाफ से डिवाइड करा तो ये 8, यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 पाई, 8 से 8 कैंसिल, 8 पाई माइनस 4 पाई, 4 पाई स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर है।